अच्छा और रामनवमी के बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। सो आज एक स्पेशल डे है तो कितनी आज दशमी है बाय द वे। अगर आस्था नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे आती क्यों ऐसी पोज करने। कितनी आस्था रखी है? अब मैं लेवल तो बता नहीं सकती आपको, बस आस्था आस्था होता है और एक मन में बात है कि मेरा उनके साथ एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। ऑनेस्टली कभी मांगने की दरकार महसूस नहीं की मैंने, तो वो भक्ति है वो आस्था है इसीलिए मिल जाता है मुझे जो मेरे मन में होता है। क्योंकि हर साल हमने देखा है कि आप कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, तो ये साल क्या आपने बनाया, आपकी रेसिपी आज क्या दिया? उल्लू। उल्लू बनाया मैंने। बट आपने देखा कैसे कैसे सवाल पूछते हो, कुछ मैं स्पेशल कुछ बनाते रहते हैं। हाँ अभी आप हम अपने घर पे भी रखते हैं, बहुत मानती हूँ मैं नवरात्रि में इस शुभ घड़ी में, और तो मैंने भी अपने घर में वो खेतरी उगाई और हम वो सारी चीज़ें करते हैं। मैं ऑनेस्टली इतनी रिलीजियस हूँ नहीं, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ और वो भक्ति की जो भावना है वो आई थिंक इनकल्केट की गई है हम में बचपन से, तो बस इसी भाव से मैं करती हूँ जो करती हूँ यहाँ पे जो मैं आती हूँ। मेरी खुशनसीब भी है कि मुझे ज़्यादा दूर आना नहीं पड़ता, लिटरली मेरे घर के बगल में है इस्कॉन और नरहरी दास जी जो हैं वो मौका कभी छोड़ते नहीं है और मैं उस मौके पे चौका मारती हूँ। और मैं इस्कॉन टेंपल के बारे में क्या कहना चाहती हूँ, जब भी आते हैं हमें एक सुकून रहता है, बहुत ही भक्ति भाव का भावना रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इस्कॉन मंदिर के, कृष्ण भगवान के, और मैं भी उनमें से एक हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भक्ति भावना होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा कल्चर है और उस कल्चर में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, उसी कल्चर को मैं इम्बाइब करना चाहती हूँ अपने बच्चे में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए, हैप्पी दशमी।